भारत में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों के सबसे बड़े न्यायालय उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय के अधीन जिलों के न्यायालय तथा छोटे दीवानी और फौजदारी न्यायालय आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्रों तक हो सकता है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधित पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। मुख्य न्यायाधीश को 90,000 प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीश को 80,000 प्रतिमाह के वेतन के अलावा कई भत्ते प्राप्त होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित है, पर इससे पूर्व वह स्वयं त्याग पत्र कर सकते हैं या संसद राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें त्याग पत्र दिलवा सकती है। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर राष्ट्रपति को अपने विचार दे सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी न्यायालय या उस न्यायालय के अधीन किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1862 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक और सिक्किम में सबसे कम है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। श्रीमती लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। वह सभी दीवानी मुकदमे जिन्हें जिला न्यायालय नहीं सुन सकता, वह हाई कोर्ट से ही शुरू होते हैं। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामले सुनता है। उच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में भी दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे सुन सकता है। उच्च न्यायालय राजस्व या उसके संग्रह संबंधी मामले भी सुन सकता है। इनको कई लेख जारी करने का अधिकार भी है। तो ये थी भारत के संदर्भ में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।